रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजला अता करे। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट की टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार हो रहे हैं, किसी को सुबह के टाइम, किसी को दिन के टाइम, किसी को शाम के टाइम, और बहुत ज़्यादा लर्जे वाले बुखार और इस तरह की बहुत ज़्यादा कंडीशन लोगों में है। और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मेडिसिन भी बेशुमार इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आता। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत होती है कि ये बुखार है क्या चीज़ है और किन इन्फेक्शन की वजह से ये बुखार हो रहा है और किस तरह की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और फिर आपने किन होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करके इन इन्फेक्शन से बचाव इख्तियार करना है, और फिर इंशाल्लाह आपका बुखार खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार आपके लिए साबित होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तमाम किस्म की इन्फेक्शन और बुखारों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर सीएस शुजात गर्देदी और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों, एक ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शन होती हैं जिसकी वजह से आपको अक्सर बुखार महसूस होता है। दरअसल में ये आपको एक अलार्मिंग जो है वो साउंड होता है ये बुखार, और आपको ये बता दिया जाता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर हो जाता है और आप ये समझते हैं कि ये बुखार हो रहा है। असल में किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन की सूरत में जो बुखार होता है वो आपकी बॉडी का एक फितरी रद्द अमल होता है जो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बुखार हो तो बैक्टीरिया और वायरस को और दीगर जितने भी जरासीम होते हैं उनको यानी अफजाइश पाने में बहुत मुश्किल होती है, और बुखार बताते खुद कोई नुकसानदेह चीज़ तो है नहीं है और ना ही ये नुकसानदेह होता है, बल्कि इससे ये होता है कि आपको एक अलामत रोनमा होती है, किसी भी इन्फेक्शन की एक अलामत होती है कि आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रही है और अलामती तौर पर आपको बुखार हो जाता है, टम्परेचर हो जाता है। और अगर आपके जिस्म का जो दर्जा हरारत होता है वो नॉर्मल यानी 98.5 98 से प्लस होना शुरू हो जाए, 99 100 102 सेंटीग्रेड तक अगर चला जाए तो इससे या ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा ख़तरनाक वबाई बीमारी हो सकती है। और अगर आपको बुखार है और देखने में अगर आप सेहतमंद लग रहे हैं तो आप ख़ुद को महफूज रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बुखार तेज़ हो तो सबसे पहले कोशिश करें जी बुखार की जांच पड़ताल करें कि आपको किस किस्म का बुखार है, क्योंकि आपकी अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी आपकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है और इसको आपने खुद ठीक रखने की कोशिश करनी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपने अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना है और पानी को उबालकर इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है साफ़ पानी और क्लोरीन से साफ पानी आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ताज़ा चीज़ें, ताज़ा साफ़ सुथरी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और खुली और बाज़ारी चीज़ें खाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, और कोशिश करें कि बुखार से बचने के लिए अपने हाथों को भी बार बार धोएं और बच्चों को भी इसकी आदत डालें, खुसूसन जब आप खाना खाते हैं या रफ़ हाजत के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं ताकि किसी भी किस्म की इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो। कोशिश करें अगर आप किसी भी गाड़ी में सफ़र करते हैं या बहुत ज़्यादा जूम वाली जगहों पर जाते हैं तो फिर भी आप जो है ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा अगर आपको खांसी है तो आप कोशिश किया करें कि अपने मुंह को भी टांग के रखें। ऐसी किसी भी किस्म की जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की अगर इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार होता है तो आपको उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के
टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, किसी को मलेरिया होता है, किसी को टाइफाइड या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, या किसी को किडनी में पेन होता है उस वजह से बाहर हो जाता है, कमर में पेन हो जाता है, गले में टॉन्सिलट या इस तरह की जो सिचुएशन होती है, और बहुत ज़्यादा खांसी और इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म को बुखार के दौरान मुख्तलिफ कैफियात से गुजरना पड़ता है, और इन तमाम कैफियात में मुख्तलिफ किस्म के बुखार भी होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की पेशेंट की जो कैफियत होती है वो चेंज होती रहती है। किसी को बेहोशी हो जाती है, किसी को बेचैनी हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, किसी को लंबे अरसे तक जो बुखार रहता है उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, फिर किसी को सुबह के वक्त सर्दी लग के बुखार होता है, किसी को शाम के वक्त होता है, किसी को दिन के वक्त होता है, किसी को किस टाइम होता है। ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसन हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बुखार हो जाता है और उस दौरान आपको बेचैनी होती है, तो फिर आपने होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम और एकोनाइट, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इनको आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। फिर इसके साथ साथ अगर आपको बुखार के दौरान बेहोशी हो जाती है, तो फिर नेट्रम मेवर एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसको आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर बुखार के दौरान आपको बेहोशी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, बारी बारी आपको बुखार होता है, तो आर्सेनिक एल्बम एक लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और अपने डॉक्टर के मशवरे से आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी इन्फेक्शन होती हैं उसको ये ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और आपके बुखार को रफा करके आपको सेहतमंद कर देती है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आपको बुखार बहुत अरसे से आपको कमज़ोरी हो रही है, तो फिर आपने आर्सेनिक एल्बम के साथ फास्फोरस मेडिसिन को ज़रूर याद रखना है, और अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक किसी भी प्रेगनेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आपको लंबे अरसे तक बुखार है, सुर्ख बुखार के बाद बहुत ज़्यादा बद असरात हो रहे हैं, और फिर इस तरह की सिचुएशन है, तो फिर आपने सिलिनियम और बेलाडोना, इन दोनों मेडिसिन को अपने जहन में रखना है। फिर अगर बहुत ज़्यादा लोगों को ये होता है कि रात को ठीक होते हैं, सुबह के टाइम उनको बुखार होता है, जिन लोगों को सुबह के टाइम बुखार होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, वो नेक्स वामिका और यूपिटोरियम पर्फ को अपने जहन में रखें। नेक्स वामिका और यूपिटोरियम पर्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है, और आजकल के जो स्पेशली बुखार हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द ये सेहतमंद कर देती हैं। सुबह के वक्त जो बुखार होता है, और अगर इसके साथ साथ आपको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर उसके साथ आपने ब्रायोनिया और रूस्टॉक्स को भी ध्यान में रखना है, और अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली आजकल के जितने बुखार हैं सर्दियों वाले, और जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर बुखार सुबह के वक्त और फिर आपको गशी हो जाए, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाए, और आपको कमज़ोरी बहुत महसूस हो, तो फिर आपने नेक्स वामिका के साथ काकुलस को अपने जहन में रखना है। और अगर आपको दोपहर से थोड़ा पहले बुखार हो, और दोपहर के दिन दरमियान तक जारी रहे और बुखार तेज़ हो, तो फिर चाइना, नेट्रम सल्फ और सल्फर भी अपने जहन में रखें, और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं ये, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मेडिसिन हैं, ऐसे तमाम बुखारों के लिए बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करती हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा बुखार हो और सर्दी भी लगे और बुखार भी तेज़ हो, तो फिर बेलाडोना, लाइकोपोडियम और जेलसीमियम तीनों ही बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं, इन तीनों मेडिसिन को आपने जहन में रखना है। ये आपकी सारी इन्फेक्शन को ख़त्म करके आपके बुखार को रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रिजल्टेड मेडिसिन है ऐसे तमाम बुखारों के लिए। और वो बुखार जो दोपहर के बाद होते हैं, तो उन बुखारों के लिए आपने लाइकोपोडियम और पल्साटीला को अपने जहन में रखना है। बहुत लोगों को शाम के टाइम बुखार होता है, और जिन लोगों को शाम के टाइम बुखार होता है, वो एकोनाइट और आर्सेनिक एल्बम दोनों ही मेडिसिन को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ऐसे बुखारों के लिए जो शाम के टाइम होते हैं। और जो सर्दी लग के शाम के टाइम बुखार होते हैं, उनके लिए बेलाडोना और रूस्टॉक्स और लैक्सेस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीनों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही आजमूदा मेडिसिन है। ये तीनों मेडिसिन ऐसे बुखारों के लिए जो शाम को होते हैं, बहुत अच्छा और रिजल्टेड जो है ना अपना काम करती हैं, और ऐसे पेशेंट को बहुत जल्द वो रिलीफ फराम करती हैं। अगर शाम के टाइम आपको बुखार हो और उसमें आपको सर्दी बिल्कुल भी ना लगे, तो फिर आपने बेलाडोना को ज़रूर जहन में रखना है। बेलाडोना बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और होम्योपैथिक में रोज़मर्रा इस्तेमाल आने वाली बहुत ही
लाजवाब मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। फिर अगर आपको रात के वक्त बुखार हो, सर्दी वाला बुखार हो, तो आर्सेनिक एल्बम के साथ आपने फॉस्फोरस लेनी है, और रात के वक्त नॉर्मल बुखार हो, सर्दी ना लगे, तो आर्सेनिक एल्बम के साथ आपने ब्रायोनिया को इस्तेमाल करना है। आर्सेनिक एल्बम हर किस्म के बुखार में बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर रात के वक्त बुखार हो और पसीना आपको ना आए, तो फिर आपने एकोनाइट और बेलाडोना को इस्तेमाल करना है। सब ही बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। इनको आप अपने जहन में रखें, अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल भी परहेज करें। ये तमाम मेडिसिन आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती हैं। वो इनको आप लेकर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद इन तमाम मेडिसिन में से जो भी डॉक्टर आपको एज पर सिम्टम दे उसको आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आराम आ जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपने इस वीडियो को जनाब दोस्तों में भी जरूर शेयर करना है ताकि सब दोस्तों को फ़ायदा हासिल हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।